गाइज वेलकम टू माई ब्लॉग चैनल। और मैं अपने बालों में कर रही थी टोनिंग, तो जस्ट अभी मैंने टोनिंग करी हुई है। मैं आप लोग को अपनी पूरी हेयर लेंथ अभी नहीं शो करूँगी, एक बार मैंने आप लोग को शो कर दिया था, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग के साथ में 3 मंथ के बाद अपनी हेयर लेंथ शो करूँगी। बाकी जब तक मैं रख पाऊँगी तब तक छुपा लूँगी, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि देखो, आप लोग मेहनत करोगे, सरप्राइज़ आप लोग को मिलेगा, तो आप लोग भी कहोगे कि हाँ दीदी आपने बाल बहुत काटे थे, आपके बाल इतनी जल्दी लंबी कैसे हो गए, ठीक है। तो जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं आप लोग के साथ में डेली विजिट में अपडेट कर रही हूँ। जब नहीं डाल पाती हूँ तो मैं नहीं कर रही होती हूँ कोई चीज़, और अगर मैं कर रही होती हूँ तो मैं आप लोग के सामने डाल रही होती हूँ। बट मेरा ऑयल कभी भी स्किप नहीं होता है। ऑयल में जो नया आप लोग के सामने शेयर करती हूँ, मैं इतना ही बनाती हूँ कि मैं उसको 1 हफ्ते यूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो आप लोग को पता लग जाएगा जिस तरीके से कि मैं कौन कौन से ऑयल यूज़ कर रही हूँ अपने बालों के लिए। देखो, मैं चैनल आप लोगों के साथ में कर रही हूँ, बट मुझे अपने चैनल पर वीडियोस भी बनाने हैं, है ना। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, ट्राई करनी पड़ती है। बिकॉज़ जो लोग 1 ईयर का चैलेंज नहीं कर रहे, वो तो ये चैलेंज को करेंगे ना। तो चलो देख लेते हैं हेयर पैक एप्लीकेशन। ये हेयर पैक अमरबेल वाला है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने ये शेयर किया हुआ था तो आप लोग के साथ में, तो मेरे पीरियड्स आ गए थे, और ये ऐसा हेयर पैक है जिसको आप 2 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो मुझे ये एप्लीकेशन करना था मंडे में, तो मैं नहीं कर पाई। पीरियड्स थे, मंडे में हेयर वॉश नहीं करते हैं पीरियड्स के टाइम पे, और शनिवार को और शुक्रवार को, ठीक है, इन चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये कि आज मंगलवार है, तो मैं इस पैक का एप्लीकेशन कर रही हूँ, और ये पैक ख़राब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये पाउडरी फॉर्म में है। तो बस इसका एप्लीकेशन करेंगे। टोनर मैंने अपना अभी जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ, 1 ईयर हेयर ग्रोथ का जो 2nd मंथ का टोनर है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने टोनर अपना बना लिया है, ठीक है। और टोनर मैंने इतना ही बनाया है कि अगर मैं नया टोनर शेयर करूँगी तो ये ख़त्म हो जाएगा 1 हफ्ते में, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों के साथ में पैक एप्लीकेशन शेयर कर देती हूँ, और उसके बाद मैं हेयर वॉश करके फिर मिलूँगी। कॉम करा है और उसके बाद पैक एप्लीकेशन करेंगे। मेरा ना ब्रश छूट गया वहीं पर, मतलब लखनऊ में, तो मैं अभी हाथ से ही पैक लगा रही हूँ। बट ये जो पैक है, इसको आप ब्रश से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लगेगा, क्योंकि ये पाउडरी फॉर्म में हेयर पैक है, इसलिए तो मैंने ना, जैसे मान लो अपने बालों में ऑयल कर लिया था, मैंने कल ही ऑयल किया हुआ था, ठीक है, संडे में ही। तो फिर इसलिए मैंने क्या किया था कि ऑयल कर लिया था, तो फिर मैंने ऑयल लगे हुए बालों को वॉश किया, क्योंकि सफाई कर रही थी मैं, तो ऊपर रहती हूँ ना मैं, तो डस्टिंग बहुत होती है। तो मैंने कहा हेयर पैक लगाऊंगी, और फास्ट भी है आज, तो शंकर भगवान का व्रत आप रख सकते हो। अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पूजा पाठ तो आप नहीं कर रहे हो। जो नहीं करते उनके लिए बता रही हूँ कि शिवरात्रि का अगर पूरा फल चाहिए, तो आप व्रत कर रहे हो, आपके पीरियड्स आ चुके हैं, तो आप पूजा नहीं कर सकते हो, तो उस कंडीशन में आप ओम नमः शिवाय जो मंत्र होता है ना, इसका जाप करिए 108 बार। मैं तो पूरे दिन में करते रहो, अच्छा है। थोड़ा सा पैक बच गया, मैं आशीष को लगा दूंगी शाम में। तो चलो मैं हेयर वॉश करूंगी, फिर मिलती हूँ, ठीक है, बाय।
गाइज, अभी कितना टाइम हो गया है? टाइम हो गया 3:32। आप लोग को वहाँ पर दिख भी रहा होगा, अभी थोड़ा सा ये लाइट हो जाए फिर दिखेगा। तो मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने के लिए। पैक लगाया था मैंने 1 बजे के करीब, देखो ठीक है। मैं हेयर वॉश करने जा रही हूँ, हेयर वॉश करने के बाद मुझे एक शूट करना है वीडियो, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय। हाय गाइज, कैसे हैं आप सब? अभी जस्ट मैं आराम कर रही थी, आराम करके उठ गई हूँ। 5 बजे उठ गई थी और मैं बैठी थी। अभी कुछ मेंबर्स को मैंने आंसर किए हैं जिनके आंसर नहीं कर पाई थी, तो थोड़ा सा यहाँ पर शेड्यूल बिजी सा हो गया है। बाकी कोशिश करती हूँ मैं कि आप लोग के साथ में हर एक चीज़ को शेयर करने की, क्योंकि ब्लॉग बिल्कुल शूट नहीं हो पा रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बस अभी मैं जा रही हूँ नीचे अभी कपड़े वगैरह चेंज करके, बिकॉज मैं सो नहीं पाती हूँ ना, तो मैंने टॉप डाला हुआ था क्योंकि मेरी आदत है उसमें सोने की, मतलब ढीले ढाले कपड़े में सोने की। तो मैंने बस अभी टॉप चेंज किया हुआ है और अपने फेस पे मैंने लगाया हुआ था अपना क्रीम, जिसकी वीडियो आने वाली है अभी कुछ टाइम में। वो स्पेशल समर स्पेशल क्रीम है, सभी लोगों के लिए है। ओपन पोर्स की समस्या है या फिर दाग हैं या फिर धब्बे हैं उनके लिए है, और स्किन बहुत ज़्यादा अगर डल हो रही है, ड्राई हो रही है, उसके लिए है। ठीक है, तो बस वही चीज़ें मैंने अभी लगाई हुई है क्रीम, वो वीडियो भी आई नहीं है, आएगी क्योंकि अभी हमारा 1 ईयर हेयर ग्रोथ का जो चैलेंज चल रहा है उसके पार्ट्स मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए तो चलो मैं आप लोग के सामने थोड़ी देर में मिलती हूँ, है ना, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। ऑयल एप्लीकेशन करना है, वेनसडे है आज, और ऑयल लगाऊंगी। आज ऑयल रहेगा और कल भी ऑयल रहेगा। ठीक है, परसों मेरा हेयर वॉश होगा, परसों यानी कि शुक्रवार को हेयर वॉश होगा। तो शुक्रवार को हेयर वॉश करके मैं हेयर पैक लगाऊंगी, मैं बीच में ऑयल नहीं निकालूंगी, बिकॉज अभी बज रहा है 6, मतलब 6 बजने वाला शाम के, तो मैं ऑयल अभी लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम तो मेरे बालों में ऑयल रहेगा नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपने बालों में मैं सीधे ऑयल करूँगी, तो 2-3 दिन ऑयल रखूँगी, मतलब आज रखूँगी और कल भी रखूँगी, और उसके बाद से मैं शुक्रवार को हेयर वॉश करने से पहले हेयर पैक लगाऊंगी, या फिर हेयर वॉश करने के बाद हेयर पैक लगाऊंगी। डस्टिंग बहुत होती है ना, मैं ऊपर रहती हूँ सबसे ऊपर, इसलिए। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, बाय। ये देखो कृष्णा को क्या है, ए कृष्णा हाय करो। नहीं हाय नहीं करूंगा। क्या करोगे फिर? मैं तो मोबाइल तोड़ दूंगा। तुम बिगड़ गए बेटा, तुम बिगड़ गए, देखा आप लोगों ने कैसे बोल रहे है। चलो गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। देखो कितने अच्छे अच्छे से बाल घने घने हो गए हैं अभी से। चलो बाय गाइज, मैं बस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैंने ऑयलिंग वगैरह कर ली है और मैं बस अब जा रही हूँ अपने बालों में एक बार फिर से ब्रेड वगैरह बनाऊंगी। तो मैं ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा आगे ब्लॉग नहीं शूट कर रही हूँ क्योंकि मेंबर्स के कॉल आएंगे। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में। तो मैं ऑयलिंग करी हूँ, तो मेरे बालों में आज ऑयलिंग रहेगा, यानी कि बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को मैं हेयर पैक लगाऊंगी हेयर वॉश करने के बाद। मैं बीच में नाइट हेयर पैक, टॉनिक और सीरम कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं जो यूज़ करूँगी तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूँगी। ठीक है,